ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलर राजगढ़ मार्ग पर कोठी गांव के पास एक कार गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें कार सवार व्यक्ति जख्मी हो गया, जिसे काफी मुशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने गहरी खाई से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सोलन अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच आरंभ की। सोलन राजगढ़ मार्ग पर कोठी गांव के पास सोमवार दोपहर को एक कार गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें कार सवार व्यक्ति जख्मी हो गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने गहरी खाई से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सोलन अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस जगह से ये कार गिरी है, ठीक उसी जगह पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान तक जा चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस स्थान से यह कार गिरी है वह मोड़ काफी तंग है और उस स्थान पर क्रैश बैरियर भी नहीं लगाए गए हैं, और जिस कारण इस स्थान पर बार बार हादसे होते रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है मोड़ तंग होने व क्रैश बैरियर ना होने के चलते ये हादसा हुआ है, और पहले भी स्थान पर कई हादसे हो चुके हैं और इस स्थान पर क्रैश बैरियर या पुलिया लगाई जानी चाहिए ताकि इन हादसों पर रोक लग सके। यहाँ पे हादसा हुआ अभी रोड पे ही, मैं भी यहाँ से जा रहा था तो कुछ लोगों ने यहाँ पे पार से चिल्लाने की आवाज़ आई और हम तुरंत नीचे चले गए, जिसके कारण गाड़ी तो बिल्कुल नष्ट है और लोगों को भी एक ही उसमें सवार थे, जिसके कारण उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया और बड़ी मुश्किल से 20-30 लोगों ने उनको उठा के सड़क में लाया। हादसा यहाँ पे 2-3 हादसे हो चुके हैं, ना तो यहाँ पे क्रैश बैरियर की सुविधा है, गाड़ी एक मोड़ भी थोड़ा टाइट है जिसके कारण ना ही आगे से आने वाली गाड़ी दिखती है ना इधर से जाने वाली। क्या चाहते हैं आप? तो कुछ यहाँ पे ऐसी सुविधा, या तो पैराफिट होना चाहिए या कोई पक्का क्रैश बैरियर हो, जिसके कारण थोड़े गाड़ियों की अगर टक्कर भी हो तो थोड़ी सेफ्टी हो, थोड़ी बाहर ना जाने पाए रोड से बाहर। दो पीछे भी दो डेथ हुई यहाँ पर, वो भी इधर से डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से ही थे, और आज भी ये जो हादसा हुआ इसको निकाल दिया गया बच्चे को। यहाँ पे रोड बहुत तंग है, बहुत हाल से हो चुके हुए, काफी सालों से लेकर लगातार ये चलता है यहाँ पर पॉइंट में, इसमें कुछ ना कुछ।